हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिना अंडे का ऑमलेट। इस ऑमलेट को देख के कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे बिना अंडे के बनाया है। देखिए, जैसे बाज़ार में अंडे का ऑमलेट मिलता है, सेम वैसा ही टेक्सचर आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना अंडे का ऑमलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, ये ग्राम में 250 ग्राम है। उसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पे 3/4 कप मैदा। मैदा यहाँ पे आप आधा कप भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और हमने जिस कप से मैदा और बेसन लिया है, उसी कप से मैंने 1 कप पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसका घोल बनाने के लिए हमें 2 कप और 1/4 कप पानी हमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिर से 1 कप पानी लिया है। इसमें आधा कप पानी हम ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही बार हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो अच्छे से घोल बन नहीं पाएगा और गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो हमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है पानी डाल के। देखिए, तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। जो हमने आधा कप पानी बचा के रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमें इसका बैटर ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर हमारा जो है तैयार हुआ है। तो इसे हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद हम इसमें फिर 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जिसको एकदम फाइनली चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पर हरे धनिया की पत्ती है, इसे भी मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। यहाँ पर 6 से 7 मैंने हरे मिर्चे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये डालना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो हमारा ऑमलेट बनेगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और थोड़ा फ्लफ़ी भी होगा। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है विस्क से। तो फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है ऑमलेट बनाने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा बहुत पतला है। तो इसमें हम अपने कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीखा अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को डाल के। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही पैन गरम होने के लिए रख दिया, उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून घी। यहाँ पे आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम ऑयल ब्रश के हेल्प से चारों तरफ फैला लेंगे और इसमें अपने बैटर को डाल देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। देखिए, इसको जैसे ऑमलेट वाले भैया फैलाते हैं वैसे ही हम फैला देंगे, जैसे गोल गोल घुमा के। देखिए, कोई कह सकता है कि हमने इसे बिना अंडे का बनाया है। जो बाज़ार में हम ऑमलेट देखते हैं बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आ रहा है इसमें। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से नीचे से सिक चुका है। तो इसे हम चाकू के हेल्प से चारों ओर से ऐसे निकाल लेंगे पहले। देखिए, उसके बाद से हम इसे पलट देंगे स्पैचुला की हेल्प से। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन के तैयार भी होता है। देखिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, एकदम पतला है जैसे ऑमलेट होता है। और देखिए, पीछे कलर कितना प्यारा आया हुआ है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह। तो देखिए, नीचे से भी अच्छे से सिक चुका है और हमारा बिना अंडे का एक ऑमलेट बन के तैयार हो चुका है। वैसे ही हम दूसरा ऑमलेट भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा घी डाला, उसके ऊपर ये बैटर डाल दिया है और ऐसे चारों तरफ फैला लिया है ताकि कहीं मोटा कहीं पतला ना हो। देखिए, और बिल्कुल ये अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पलट देंगे। देखिए, कितना मस्त दिख रहा है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह ही दिख रहा है। मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूँ। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से सिक चुका है। तो इसे हम फोल्ड करके और निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितना हमारा टेस्टी ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है, वो भी बिना अंडे का। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वो पैन नहीं है तो आप डोसा वाला जो पैन होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 1 टीस्पून घी डाल के और इसको फैला लेंगे, मतलब ऑयल ब्रश से हम चारों तरफ तेल को फैला लेंगे घी को, और इस पर बैटर डाल देंगे और इसे भी हम ऐसे गोल गोल घुमा के और चारों तरफ जहाँ जहाँ नहीं गया है वहाँ तक पहुँचा देंगे बैटर को। देखिए, तो यहाँ पे खाली जगह थोड़ा सा रह गया है, छूट गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बैटर लेके वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। देखिए,
और जब नीचे से सिक जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा सा, आप चाहें तो पहले वाले में भी चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है और एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल ऑमलेट की तरह। तो इसे भी हम चाकू से ऐसे साइड से जो लगे हैं उसको छुड़ा लेंगे, उसके बाद से इसको भी हम पलट देंगे। तो फ्रेंड्स जो बड़े ऑमलेट बनते हैं उसको पलटने में ज़्यादा परेशानी हो जाती है, हम पलट नहीं पाते हैं, टूट जाते हैं। ये देखिए बहुत दिक्कत हुई इसको पलटने में, आखिरकार ये पलट गया। फ्रेंड्स ऑमलेट तो बहुत ज़्यादा पतला और सॉफ्ट भी होता है, इसीलिए ये टूट जाता है बीच से, बड़ा नहीं बन पाता। तो आप कोशिश करें कि छोटा पैन लें, उसमें पलटने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए जैसे ऑमलेट वाले भैया इसको फोल्ड करते हैं वैसे ही हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स ये बिना अंडे का ऑमलेट आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।